नमस्कार, SNU 24 में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना की उड़ रही धज्जियां। जी हां, जरूरतमंद ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लाभ। हमारी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार के कुछ लापरवाह अधिकारी व कर्मचारी इस पर बट्टा लगा रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला धार जिले की उमरवन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत धाबड़ में देखने को मिल रहा है। जी हां, जहां पंचायत में रहने वाले गरीब एवं सीधे साधे लोगों के साथ खुला भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। पहले तो कुटीर देने के नाम पर रिश्वत मांगी गई और जब कुटीर मिली तो कुटीर की मजदूरी का पैसा लाभार्थी के खाते में डालकर उनके अशिक्षित होने का फायदा उठाकर उनके खाते से बिना बताए पैसा निकाल लिया गया। वही पंचायत में ग्राम वसीरों ने बताया है कि एक ही भूमि दिखाकर मिली भगत से उक्त भूमि पर तीन तीन आवास कुटीर ले ली गई हैं। जी हां, ग्राम वसीरों की माने तो ये सारा खेल रोजगार सहायक द्वारा किया गया। क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ पे? मेरी कुटर मिली नहीं अभी तक। मेरे को बोलते हैं कि पैसे रजिस्टर में चल रहे हैं तो अभी तक खाते में पैसे नहीं आए मेरे। यहाँ पे तो आप बता रहे हैं कि कुटीर में से पैसे निकाले गए हैं। तो पैसे निकाले गए कुटीर में से, यही हुआ आगे से निकला है उसमें से। पैसे कितने निकाल लिए? अब क्या मालूम कितने निकाले, मंत्री पूछो। आपको कुटीर मिली और पैसे निकल गए और आपको नहीं मिले? वो नहीं मिले, मेरे खाते में नहीं आए। क्या नाम है आपका? निर्मला भाई। कहाँ रहते हो? आप यहाँ ग्राम पंचायत धाबड़ आए हैं, क्या समस्या लेकर आए? हमारे आवास योजना ने मिली, हमारे गांव से निकल गई है और पैसे ये लोग निकाल रहे हैं कुटीर से, मतलब कि छताई नहीं हमारी और पैसे कहीं से निकाल लिए हैं। कागज वागज जमा हमने चार पांच चक्कर करे हैं, जमा वमा सब कुछ, और बोलते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में आ गए पैसे। जब जाते हैं चार चक्कर तीन चक्कर जो भी जाते हैं तो कुछ नहीं करते, खाली हमारा अकाउंट। पैसे तो आपके रिकॉर्ड में दिख रहे हैं? पैसे कितने निकाल लिए? अब ये नहीं पता, अभी आप लोग छानबीन करो कितने निकाले। अब बोलते हैं वो लोग कि आपके अकाउंट में आ गए हैं। क्या नाम है आपका? जी संगीत सर। यहाँ आज हम ग्राम पंचायत ताबड़ में हैं, आपके स्कूल की ग्राउंड बाउंड्री वॉल बनाने के लिए ग्राम पंचायत से कुछ पैसे निकले। क्या यहाँ पे वॉल बाउंड्री बनाई गई है? नहीं बनाई। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह बाजपे। तो आपको कोई सूचना नहीं है कि यहाँ पे कोई वॉल बाउंड्री बनाई जाएगी आज या कल या आगे कभी भी बनाने का? नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है। पहले भी कोई सूचना नहीं मिली कि हम बना रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं। क्या नाम पूरा होता है? रमेश चंद्र। मुझे वारदात पे जाके देखे उसके घर से पानी टपक रहा था। सर आप भी जाओगे कहीं भी जाओगे तो पानी टपक रहा है, झोपड़ी है, उसको रेड लाइन में कर दिया। जैसे मैं हूँ ड्राइवर हूँ, मेरी ID सब कुछ अलग है, फिर भी मुझे गाड़ी मालिक बता दिया है, अपात्र कर दिया है। ऐसे बहुत सारे 157 लोग हैं सर। और दूसरी समस्या ये है कि किसी के घर मेड़ बंधन आता है बोल्डर वाले, वो डला ही नहीं, उसके बावजूद भी उसकी मस्टर निकाल के पेमेंट डाल दिया और पैसे निकाल दिए। ये सहायक सचिव द्वारा मस्टर पेमेंट में रोजगार उससे हो रहा है। और प्लस किसी के घर पे आवास योजना का कुछ हुआ ही नहीं, उस आदमी की मस्टर पहले मजदूरी पहले कार्य किया ही नहीं और मजदूरी निकाल दी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए प्रशासन शासन में, लेकिन ये अंधेर नगरी चौपट राजा ऐसा काम हो रहा है धाबड़ पंचायत में। और सारे अगर बोलने जाओ मन सहायक सचिव को तो जो बने वो बनाओ, आप लोग जहाँ जाना वहाँ जाओ, मेरे को कुछ मालूम नहीं आगे सिस्टम से पोर्टल से हो रहा बोले। ये पोर्टल की आँखें तो नहीं होती सर, वो तो देख देख के व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहा है। और एक MRS डैम बने हुए हैं, कम से कम उनकी राशि 15-15 लाख रुपए एक डैम के, चांदपुरा में उसकी 8 लाख राशि निकाल दी गई। वो कम से कम कितना खूब से खूब 15 बेड का होगा, उसकी 8-8.5 लाख रुपए राशि निकाल ली है। एक द्वितीया के खेत के पास मैं देखने गया था, खुद मैं गया था द्वितीया के खेत के पास, तो वहाँ बना हुआ नहीं है। और लटिया के खेत के पास उसकी राशि भी निकाल ली है। कितनी राशि निकाली उसकी? राशि करीबन अनुमानित 12-13 लाख रुपये निकाल ली है। और एक द्वितीया के खेत के पास बना हुआ है, वो भी इतना घटिया बना हुआ है, उसकी 15-14 लाख राशि निकाल दी गई है। ऐसा भी सुनने में आया है कि यहाँ पे एक कुर्सी को दिखा के तीन तीन लोग? हाँ सर, ऐसा है ना। और जिनके घर मतलब छोटी बड़ी किसी भी नौकरी कर रहे हो,
पापा मम्मी शुरू से सक्षम आदमी, ऐसे लोगों को आवास योजना दी जा रही है और जो मजदूरी कर रहा है, खेती कर रहा है, उन लोगों को आवास योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? राकेश चौहान। कहाँ रहते हो? दाबड़। आप यहाँ ग्राम पंचायत दाबड़ में कुछ जांच करना है, क्या है पूरा विषय? ग्राम पंचायत दाबड़ में ग्रामीणों के द्वारा धान में शिकायत की गई थी, उस संबंध में जनपद से जाँच करनी है। जाँच करने के तहत ग्राम पंचायत में शिकायतकर्ताओं के साथ विजिट किया, सारी वास्तविक स्थिति देखी है, कथन भी लिए हैं। वास्तविक स्थिति अभी क्या होगी पूरा प्रतिवेदन बनाएंगे तो आपको हम अवगत करा देंगे। आपका नाम? धन सिंह ठाकुर, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत उमरगंज। क्या आप एक यूट्यूबर हैं? क्या आप चाहते हैं शासन से गाइडलाइन? क्या आप चाहते हैं वैधानिक तरीके से YouTube चैनल को मिले मान्यता? जी हाँ, तो आज ही जुड़िए। वेव पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन अब यूट्यूबर्स के लिए लेकर आया है एक नई सौगात, न्याय, नियम, अधिकार और संरक्षण। आज ही ज्वाइन करें।